नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश और दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि अभी हालातों की नजाकत को समझते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और इन फैसलों में क्या कुछ कहा गया है ये मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल सबसे पहले तो जितने भी शासकीय कार्यालय हैं उनका टाइमिंग चेंज किया गया है, उनका थोड़ा सा जो रूटीन है उसमें बदलाव किया गया है। जैसे कि मंडे टू फ्राइडे ही अब ये ऑफिसेस खुलेंगे और सैटरडे संडे इनको बंद रखा जाएगा। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे जो लोग ऑफिस जाएंगे, शुरुआत में तो ये भी सामने आ रहा है कि ऑल्टरनेटिवली उनको बुलाया जाएगा, जो लोग वहां पर मौजूद होंगे लोगों की संख्या कम की जाएगी। इन सब के अलावा जो टाइमिंग रखी गई है वो 10 से 6 की रखी गई है। अमूमन 9 घंटे का वक्त होता है जिनमें से 8-8.5 घंटे काम करने होते हैं और फिर आधे घंटे का लंच होता है, लेकिन 10 से 6 का वक्त रखा गया है और इसी में लंच भी इंक्लूड है। तो शिवराज सिंह चौहान के घर पर जो बैठक हुई उसमें अधिकारियों के साथ मिलकर तमाम जो ये फैसले हैं ये लिए गए हैं और इनको मैं आपको बता रही हूँ। इन सब के अलावा मध्य प्रदेश में 8 अप्रैल यानी कि आज से नाइट कर्फ्यू की घोषणा भी कर दी गई है। 10 बजे से रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा मध्य प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी पब्लिक गैदरिंग ना हो सके, कोई भी इवेंट ना हो सके और लोग भारी तादाद में इकट्ठा ना हो सके, क्योंकि सब जानते हैं कि कोरोना के मामले किस कदर बढ़ रहे हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में हर एक संडे को लॉकडाउन लगाने की घोषणा भी मध्य प्रदेश सरकार ने की है। इसके अलावा शिवराज सिंह सरकार ने बुधवार को बाकायदा एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले में कल 8 अप्रैल की रात 8 बजे से आगामी 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, यानी कि जो छिंदवाड़ा इलाका है उसमें तो संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है आगामी 7 दिनों तक। इसके अलावा शाजापुर शहर में 8 बजे से अगले 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, ये ऐलान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। वैसे आपको बता दें अगर वेडनेसडे के आंकड़ों की बात करें तो 4043 नए मामले सामने आए हैं जबकि 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। ये ताजा आंकड़े मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आए हैं जिसकी नजाकत को समझते हुए शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़े फैसले लिए हैं। आपको क्या लगता है ये जो फैसले लिए गए हैं ये कहां तक जायज है, क्या ये कोरोना पर लगाम लगाने में मददगार साबित होंगे? आपका जो भी मानना हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।